टॉप 3 बेस्ट वन प्लस स्मार्टफोन्स अंडर 25,000 रुपीज। सो दोस्तों, आप भी अगर यहाँ पर वन प्लस के फैन हैं और आपको भी वन प्लस की तरफ से कोई अच्छा फोन लेना है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लेकर आ चुका हूँ ऐसे 3 धमाकेदार फोन। सो भाई, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली, तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेगा। और इसी के साथ में, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज़ हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। इस लिस्ट को और सबसे पहले बात करते हैं उन यूजर्स की जिनका बजट बहुत कम है लेकिन उन्हें वन प्लस का फोन लेना है। तो आप यहां पर देख सकते हैं वन प्लस का नॉट सी ई 2 लाइट 5G, जो कि आपके लिए डेफिनेटली एक कमाल का ऑप्शन है। आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर मिलता है, बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है और डिजाइन भी आपको यहाँ पर काफी अच्छा दिया गया है। साथ ही फोन के अंदर आपको मिलती है 6.59 इंचेस के कुल एचडी प्लस वाली आईपीएस एलसीडी पैनल, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन, 500 निट्स की ब्राइटनेस, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट। सो डिस्प्ले क्वालिटी बजट के हिसाब से आपको यहाँ पर अच्छी दी गई है। कैमरास की बात करें, बैक साइड में आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरास मिलते हैं। मेन कैमरा लगा है 64 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा है, डे लाइट में फोटोज यहाँ पर काफी अच्छी निकल कर आती है। वहीं पर दोस्तों वीडियो आउटपुट की बात करें, सो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहां पर फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30 FPS। चलिए परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं गाइस। तो फोन के अंदर आपको मिलता है 6 NM बेस्ड क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का चिपसेट, जो कि इस बजट के अंदर आने वाला एक काफी अच्छा चिपसेट है, आपको यहाँ पर काफी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। और दोस्तों ये स्मार्टफोन अंतिम पर लगभग 5 लाख के आसपास स्कोर भी कर जाता है। सो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आती है। वैसे फोन के अंदर LPDDR4 इसकी रैम और UFS 2.2 वाला स्टोरेज भी आपको दिया गया है। पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी मिलती है, जहाँ पर 33 वॉट चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी दी गई है। कुछ अदर फीचर्स की बात कर लें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन। और गाइस ये फोन आता है एंड्रॉइड 12 पर, लेकिन एंड्रॉइड 13 का अपडेट आपको इस फोन के अंदर डेफिनेटली और बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। और आपको यहाँ पर 5 5G बैंड्स का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। सो भाई, अगर आप यहाँ पर वन प्लस के फैन हैं और आपको यहाँ पर अच्छे कैमराज, अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात करें प्राइसिंग की तो 6 और 128 के लिए आपको यहाँ पर लगभग 19,000 रुपये पे करने पड़ेंगे, बट दोस्तों बैंक ऑफर्स के साथ में ये स्मार्टफोन अराउंड 18,000 रुपीज की प्राइस पर आपको इजिली मिल जाता है। और गाइज, इस लिस्ट का जो अगला फोन है यार, वो है यहाँ पर वन प्लस का नॉर्ड CE 3 लाइट, जो कि दोस्तों अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है। और बात करें इस फोन की तो ये फोन आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलेगा, पर दोस्तों बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन दोनों ही फोन के यहाँ पर बहुत ही औसम दिए गए हैं। वहीं पर डिस्प्ले की बात कर लें तो 6.72 इंचेस की फुल एचडी प्लस वाली आईपीएस एलसीडी पैनल लगी हुई है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है, 680 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट। सो डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी भी है और बड़ी भी दी गई है, तो डिस्प्ले से आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरास मिल जाते हैं। मेन कैमरा है 108 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा दिया गया है। और आपको बता दूं कि 108 मेगापिक्सल से डे लाइट में फोटोज काफी अच्छी निकल कर आती हैं। वैसे आपको यहाँ पर 3x लॉसलेस जूम का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। वहीं पर अगर हम बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शंस की तो फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से आपको यहाँ पर फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा अप टू 30 FPS। हाँ, तो दोस्तों बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की, तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6 NM बेस्ड क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 का चिपसेट, जो कि एड्रेनो 619 GPU के साथ में आता है। और दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है, ये अंतुतु पर लगभग 4,10,000 के आसपास स्कोर करता है। सो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर डिसेंट मिल जाती है, साथ ही साथ LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का आपको यहाँ पर स्टोरेज भी दिया गया है, तो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आती। पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी और 67 W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी दी गई है। वैसे अच्छी बात यह है कि ये स्मार्टफोन सिर्फ 30 मिनट के अंदर 0 से 80% तक चार्ज हो जाएगा, तो दोस्तों ये कमाल की बात है। वहीं पर कुछ अदर फीचर्स की बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स, हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन। और तो भाई, ये फोन एंड्रॉइड 13 पर आता है, तो ये भी काफी अच्छी बात है। साथ ही साथ ये फोन अप टू 9 5G बैंड्स के साथ में आता है, तो ये भी अच्छी बात है। और अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की दोस्तों, तो 6 और 128 के लिए आपको देने होंगे 19,999 रुपये। और दोस्तों, इस लिस्ट का वन प्लस का जो अगला स्मार्टफोन है, ये आपको काफी गुड लुकिंग, काफी अच्छे कैमराज और काफी अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ में मिलता है, वन प्लस का नॉर्ड CE 2। देखा जाए तो ये फोन भी काफी गुड लुकिंग फोन है, और अच्छी बात यह है कि इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.43 इंचेस के कॉम्पैक्ट साइज की फुल एचडी प्लस वाली एमोलेड पैनल, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है, एचडीआर 10 प्लस का सर्टिफिकेशन भी दिया गया, 800 निट्स की आपको यहाँ पर ब्राइटनेस मिल जाती है, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट दी गई और 180 हर्ट्ज की आपको यहाँ पर टच सैंपलिंग रेट मिल जाती है। सो फोन की डिस्प्ले आपको यहाँ पर काफी अच्छी दी गई है।
कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर मिलते हैं तीन कैमरास, जहाँ पर मेन कैमरा लगा हुआ है 64 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। तो दोस्तों यहाँ पर भी कैमरा सेटअप काफी अच्छा दिया गया है, साथ ही साथ आपको यहाँ पर डे लाइट में फोटोज भी काफी कमाल की मिल जाती है। वैसे आपको यहाँ पर डिफरेंट मोड्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि नाइट मोड वगैरह, सो ये भी अच्छी बात है। वहीं पर वीडियो आउटपुट की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर अल्ट्रा एचडी की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलेगा अप टू 30 fps, और फ्रंट से आप यहाँ पर फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30 fps। और अच्छी बात यह है कि दोनों ही साइड आपको यहाँ पर जायरो EIS का फीचर भी मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं परफॉर्मेंस की तरफ। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6nm बेस MediaTek का Dimensity 900 का चिपसेट। जी हाँ दोस्तों, 920 और 900 लगभग सेम टाइप के प्रोसेसर है, थोड़ा मोड़ा चेंजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ये स्मार्टफोन अंततः पर लगभग 4,23,000 के आसपास स्कोर कर जाता है। सो परफॉर्मेंस और गेमिंग में आपको यहाँ पर कोई भी खास दिक्कत नहीं आती है। वैसे इस फोन के अंदर भी आपको LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 वाला स्टोरेज दिया गया है, सो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती। वैसे पावर हाउस की बात करें तो फोन के बैक साइड में आपको यहाँ पर 4500mAh की बैटरी मिलेगी, जहाँ पर 65 वाट की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया, चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट मिल जाती है। चलिए बात कर लेते हैं अब यहाँ पर कुछ अदर फीचर्स की। तो दोस्तों इस फोन के अंदर आपको मिलता है एक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक दिया गया है, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स दिए गए हैं, और अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पर डेडिकेटेड स्लॉट भी दिया गया है। और हाँ दोस्तों, ये स्मार्टफोन भी एंड्रॉइड 11 पर आता है, लेकिन बहुत जल्द एंड्रॉइड 12 का अपडेट आपको इस फोन के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, ये फोन अप टू 8 5G बैंड को सपोर्ट करता है, तो ये भी अच्छी बात है। तो चलिए अब बात करते हैं प्राइसिंग की। तो 8 और 128 के लिए आपको देने होंगे 24,990 रुपये। दोस्तों ये थे वो कुछ वन प्लस स्मार्टफोन जो कि आपको मिल जाते हैं इस समय लगभग 25,000 रुपये के अंदर। तो आप चाहें तो इनमें से कोई भी स्मार्टफोन देख सकते हैं, सभी के बेस्ट बाय लिंक्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखे हैं, तो आप एक बार उन्हें जरूर से चेकआउट कीजिएगा। और दोस्तों उम्मीद है आप सभी को आज की वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।